भारतीय जनता पार्टी में बीसलपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित होने के बाद सोशल मीडिया सहित जमीनी तौर पर अब विरोध की बयार चलने लगी है। हालांकि जो विवेक वर्मा है उनको प्रत्याशी बीसलपुर से घोषित किया गया है, मौजूदा विधायक रामशरण वर्मा के पुत्र हैं। बीसलपुर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी समय से डॉक्टर रत्नेश जो हैं वो लगातार चुनाव मैदान में थे और वर्ष 2017 से लगातार तैयारियों में थे। ऐसे में उनका भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटा है, जिसके बाद अब हम सीधे तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर रत्नेश गंगवार ने भी एक पीसी की, इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे और 2022 में भारतीय जनता पार्टी के लिए टिकट से प्रबल दावेदार थे। हम एक बार दिखाना चाहेंगे, पीछे बड़ी तादाद में जो है वो समर्थक बैठे हुए हैं और वो लगातार इस बात का इंतजार कर रहे थे कि डॉक्टर रत्नेश गंगवार को अगर टिकट मिलेगा तो वो पुरजोर ताकत से विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब के साथ राजनीतिक छलावा होने के बाद अब जमीनी हकीकत क्या है उस पर हम सीधे तौर पर जुड़ेंगे, लोगों से जानेंगे। यहाँ पर एक अलाव जल रहा है, इसी के साथ साथ सियासी चर्चा भी हो रही है। सबसे पहले बाबा बैठे, क्या नाम है आपका? नारायण लाल। भारतीय जनता पार्टी ने विवेक वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया, आप क्या कहें? मतलब गलत करो उसके लिए। क्यों गलत किया? अरे उसको बाप चाहता हूँ जो विधायक और दूसरे को बनना चाहिए, गलत कर रहे भाई, दूसरे को चांस मिलना चाहिए। हाँ तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हाँ आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम तो जय कर रहे हैं कि उसको अब तक टिकट कटना ही मुश्किल है, अब कट जाते गंगबार में जाना चाहिए लेकिन ना मिल पाए लगा। तो अब रत्नेश को टिकट नहीं मिला है, इसके बाद भी चुनाव मैदान में उतरेंगे तो आप भाजपा के साथ होंगे या रत्नेश के साथ? अरे हमारे बने सगे इनके साथ में है, इनके साथ में है सगे बने हमारे। हाँ और भी लोगों से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश भैया, बीसलपुर विधानसभा से डॉक्टर रत्नेश गंगवार का भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया है और विवेक वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगा पार्टी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, पार्टी ने पता नहीं किस संबंध से उसको टिकट दे दिया। पार्टी एक तरफ तो ये कहती कि हम परिवारवाद नहीं चलाते, ये परिवारवाद नहीं तो और क्या है आप बताइए? आप डिबेट करवा लीजिए डॉक्टर रत्नेश गंगवार की, विवेक वर्मा जी की, पता चल जाएगा कि क्या है वो, क्या कहेंगे? हाँ भैया गलत हुआ रत्नेश भैया के साथ, भैया पार्टी ने गलत किया, उनने इतनी मेहनत करी और पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, गलत किया पार्टी ने उनके साथ। आप क्या कहेंगे? भाई ये बहुत गलत फैसला किया है पार्टी ने और जो भी सोच समझ के फैसला करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जनता रत्नेश गंगवार के साथ है, पार्टी के साथ नहीं। और लोगों से भी बात करेंगे इस पर, क्या कहेंगे शुक्ला जी? आप तो लगातार भैया के डॉक्टर रत्नेश जी के साथ विवेक ने कभी भी इलेक्शन या आकर कोई भी नहीं लड़ा, मेमरी तक नहीं लड़ी, तो विवेक का तो अनुचित है देना टिकट, मतलब राजनीतिक तौर पर अगर बात की जाए। जी जी। अरे विवेक वर्मा को तो उस बोलने की अकल नहीं है, अब 25% कमाए उसके, उसको टिकट दे दिया गया। अरे हमारी बीजेपी पार्टी, हम हमेशा लड़ाते रहे, अपनी नहीं लड़ाएंगे हम लोग, सब रत्नेश गंगवार के साथ। कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो समर्थकों में साफ तौर से उत्साह देखने को मिल रहा है, डॉक्टर रत्नेश गंगवार के जो समर्थक है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं उनके कार्यालय पर, और उनमें साफ तौर से इस बार दिखाई दे रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो विचार किया है विवेक वर्मा के ऊपर वो ठीक नहीं है। डॉक्टर यहाँ की जनता ने एक बार कहा है कि हालांकि मन मनाया जाए, लेकिन डॉक्टर साहब ने इस बार इस्तीफा दे दिया। अब देखना होगा आगे सियासी आंकड़े क्या रहेंगे। इसी तरह हम आपको जमीनी तौर पर हकीकत दिखाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे बीसलपुर विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ प्रक्रियाएँ हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही चुनावी अपडेट के साथ हम आपको अपडेट रखेंगे।